Hello everyone, welcome to Math by Rishi. We are doing probability in applied maths class 12th, and we are in the progress of doing probability distribution table and random variable. I've taken up some doubts that you have given, so let me start with the first exercise, 9.1, question number 6. Let us start with this. मैं ये सोच के questions तुम्हें explain करूँगा कि तुमने 11th class में पढ़ाई नहीं की है. ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक पे जाकर के करूंगा. तो अगर किसी ने पढ़ाई की है तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, उसको लेंथी लगेगा. ठीक है, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड. दैट इज व्हाई आई विल गो इनटू द बेसिक्स एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. सो प्लीज पे अटेंशन. एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स. इफ 2 आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. सी, जो भी एक्स होता है ना उसी को रैंडम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, सबसे बिल्कुल एक एक चीज बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपने नोट्स में लिखना और प्रॉपरली हर चीज को करना. एक्स इज व्हाट? एक्स इज द रैंडम वेरिएबल. एक्स इज व्हाट? एक्स इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. ठीक है, कितने बॉल ड्रॉ किए गए? 2 किए गए. ओके, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वंडरफुल. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज टू गेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. सो हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर? 5. हाउ मेनी आर वी ड्रॉइंग? 2. क्या पॉसिबिलिटी है? या तो एक भी व्हाइट नहीं आ रहा है, दोनों के दोनों ब्लैक हैं, या फिर एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, या फिर दोनों के दोनों व्हाइट हैं. सो फर्स्ट स्टेप आई होप इज क्लियर कि तुम रैंडम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो और उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करो. ठीक है, अब इन सबके लिए प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है. ठीक है, सबके लिए प्रोबेबिलिटी देखनी है. तो सबसे पहले पी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. मैंने तुम्हें कहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लास्ट क्लास में हमने देखा था. बॉल जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट इज व्हाट? इट इज कॉम्बिनेशन, राइट? मैंने लिया कि एक भी व्हाइट नहीं है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? ब्लैक है. सो व्हाट इज द फेवरेबल केस? न्यूमरेटर कितना होगा? 3C2. तीन में से कोई, यहां अलग से लिख लो, तुम्हारे पास 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, इनमें से आपने कोई भी 2 ड्रॉ करना है. एंड एज पर द कंडीशन व्हेन एक्स इज 0, वी अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम वुड बी ब्लैक. सो इट इज 3C2. ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 8C2. कोई डाउट है पूछो. इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट भी देता हूँ इस कैलकुलेशन का, बिकॉज जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको थोड़ी इस कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, कर तो लेते हैं. सो आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट. वेन एवर यू हैव एन सी 0 और यू हैव जस्ट 3 पॉइंट्स, एंड 3 पॉइंट्स वुड हेल्प यू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड, और एन सी एन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, रिमेंबर दैट. एन सी 1 and NC n minus 1 is always equal to n, and NC 2, which you get most frequently, sabse zyada tumhe NC 2 hi milenge time and again, this is always equal to n into n minus 1 upon 2. Dhyan rakhna, theek hai? Ye 3-4 baatein agar aap dhyan rakhenge to aapki calculation mein aap time save karke le jayenge. Dhyan rakhiyega is baat ko, theek hai? Ye niche wala danda thoda upar reh gaya, ye sahi nahi lag raha hai. It should be at the right place. Okay, now this is fine. ठीक है, अगर इतनी सी बात हमें समझ में आती है तो अब कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है. वेरी वेरी इजी, राइट? ऊपर कितना आएगा? 3 × 2/2, करेक्ट. नीचे क्या आएगा? 8 × 7/2. बाई टू बाई टू तो गया. ठीक है, इधर मैंने 4 से कैंसिल किया, इट्स कमिंग आउट टू बी व्हाट? 3/28. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, नाउ आई लुक इन टू द सेकेंड केस व्हेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1. That means the number of white balls. X represents what? The number of white balls. Okay? This represents what? The number of white balls. As per the quotient, this is representing the number of white balls. Okay, when X is 1, ab hamare paas 3 the, 3 mein se ek hi chahiye. That means 3C1. Okay? Achha, kuch miss to nahi kar rahe. Socho zara. Socho zara. है ना, अभी तो यहाँ देखो, when they have said without replacement, that means आपने एक बार पिक कर लिया तो फिर दोबारा उसको डालना नहीं है. जब रिप्लेसमेंट के साथ होता है ना तो नंबर ऑफ बॉल्स फिक्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट केस में क्या लिया? 2 हमारे पास ब्लैक थे. इस केस में हमने क्या लिया कि हमारे पास एक ब्लैक है. नाउ द पॉइंट हैज टू बी टेकन केयर, आपके पास एक ब्लैक है एंड एक व्हाइट भी तो है. डोंट फॉरगेट दैट, डोंट मिस दैट. जनरली दिस इज अ पॉइंट वेयर चिल्ड्रन गो रॉन्ग एंड दे कमिट सिली मिस्टेक्स. 2 बॉल तुम्हें सेलेक्ट करने हैं. अगर तुमने सिर्फ 3C1 किया
दैट टेल्स यू लॉजिकली कि तुमने एक बॉल सेलेक्ट किया वो ब्लैक है, बट व्हाट अबाउट द सेकंड बॉल, तुमने दो सेलेक्ट किया, द सेकंड हैज टू बी व्हाइट, ओके। और जब कभी भी एंड होता है तो एंड के लिए मैंने कल भी बताया था, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो दैट इज द फेवरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, व्हाट इज दैट, 8C2। NC1 क्या बताया, N होता है, सो दिस इज 3, दिस इज 5, नो फॉर्मूला, नथिंग, स्ट्रेट अवे यू गेट द आंसर, दिस इज व्हाट, 8 × 7/2। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट नाउ। दिस इज गॉन बाई 4, ऊपर कितना आया 15, नीचे कितना आया 28, फाइन। द थर्ड केस, व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट मींस अब हमारे दोनों के दोनों बॉल व्हाइट है, दोनों के दोनों बॉल व्हाइट है, यानी कि इस पांच में से ही दोनों के दोनों आ रहे हैं। हमने हमने कुछ मिस तो नहीं किया ना, हमने हमने कुछ मिस नहीं किया, सब कुछ सही किया, गुड। तो अब दोनों के दोनों वाइट हैं, तो हमारे पास 5C2 हमारा फेवरेबल केस है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 8C2। कैलकुलेशन करने में तो कोई टाइम लगते नहीं, 5/5 × 4/2, 8 × 7/2, सो by 2 तो मैंने पहले कैंसिल किया, लिखा ही नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज 5/14, ओके, दिस इज 5/14। नाउ अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसके लिए तो अब कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, यू हैव डन द कैलकुलेशंस, राइट, आई मीन 90% ऑफ द वर्क इज डन, देयर इज ओनली द 10% व्हिच इज रिमेनिंग, वेयर यू विल बी ड्रॉइंग अ टेबल लाइक दिस, यू विल बी राइटिंग एक्स एंड पी एक्स, राइट, एक्स एंड पी एक्स, एक्स इज 0, 1 and 2, पी एक्स इन दिस केस इज 3/28, इन द सेकेंड केस इट इज 15/28, in the third case it is 5/14, can I write it as 10/28? I hope you don't mind it, okay. Why am I writing so? Because I want to check that the summation of all pxi's, the summation of all pxi's, this is the sign of what, summation, right, iska matlab kya hota hai, iska matlab hota hai ki jab hum sab ko add karte hain, jab x 0 hai tab, jab x 1 hai tab, और जब x 2 है तो, that is the meaning of summation, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, summation, sigma, तो ये कितना आ रहा है, 3 + 15 = 18, 18 + 10 = 28, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमने कल पढ़ा था ना, so 28/28, what is that, it is 1, so that justifies, तुम हमेशा चेक कर सकते हो कि तुमने कोई mistake तो नहीं किया, तो अगर तुम्हारे पास इसका summation 1 आ गया, you can be sure कि तुमने जो करा है वो बिल्कुल सही है, and that is your final answer, ठीक है, so let me know if it is clear. Some of you are confused with the word with replacement and without replacement. Okay? So when they are saying without replacement, right? When they are saying without replacement, what is the meaning of this? Let me give you a detailed information, right? When they say it is without replacement, okay, let me write it here. I don't have writing space extra, no problem. So let me give you the example that so that this concept is permanently clear, right? The difference between with replacement and without replacement. I'll give you one example. With that, this concept would be permanently clear. Pay very good attention. Let's say they say you have a bag that comprises of 3 white and 7 red balls. Okay. And they say you pick 2 balls 1 by 1. You pick 2 balls 1 by 1. Okay. In the first case, they say it is with replacement. In the second case, they say it is without replacement. How will it affect the probability? Probability pe kya difference aayega? This is what is the ultimate thing that we want to know, right? So 2 balls nikalenge ek ek karke. Okay. Pehle with replacement ka case samajhte hain. विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इतनी लॉजिक तो हमारे पास सबके पास है, कॉमन सेंस, यानी कि हमने एक बॉल निकाला, फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा निकाला, दैट इज द मीनिंग ऑफ विद रिप्लेसमेंट, ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एट एनी इंस्टेंस वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, जब अभी भी रिप्लेसमेंट होगी विद रिप्लेसमेंट तो वहां पे क्या होगा, टोटल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, टोटल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। और एक और चीज, इसकी टेक्निकल बात, वो क्या, probability won't change, the basic probability won't change, ठीक है, probability won't change in the case of with replacement, जैसे मैं करके बताता हूं, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने 2 balls पिक किए और लेट से इन्होंने बोला कि बताओ क्या probability है कि दोनों के दोनों white है, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, दोनों के दोनों white है, यानी कि हमें white pick करने, ठीक है,
पहली बार मैंने व्हाइट पिक किया, 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी, एनी डाउट? फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस विद रिप्लेसमेंट है, मतलब फिर हमने दोबारा से वो बॉल वापस अंदर डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10. व्हाट इज द आंसर? इट इज 9/100. द बेसिक प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/10 वोंट चेंज इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट. लेट मी गिव यू द अदर वे, द सेकेंड थिंग, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, राइट? व्हाट इज दैट? विदाउट रिप्लेसमेंट. अब क्या बोल रहे हैं कि बताओ व्हाइट, सेम क्वेश्चन लेते हैं, राइट? हाउ विल इट अफेक्ट, हाउ विल इट चेंज द आंसर? अभी क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ठीक है, पहली बार हमने पिक किया, दोनों बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, दोनों व्हाइट आनी चाहिए, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने पहला पिक किया, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10, एंड सेकंड की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है? 2/9. द बेसिक प्रोबेबिलिटी विल चेंज इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 6/90, और इफ यू वांट टू कैंसिल इट आउट, यू कैन कैंसिल इट आउट, कितना चला जाएगा? 1/15 से मेरे ख्याल से बचा जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में तुम्हें ध्यान रखना है. आई रिपीट इट वन मोर टाइम, जब कभी भी रिप्लेसमेंट होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगी, टोटल नंबर कांस्टेंट होगा. इन द अदर केस जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, या विदाउट मीनिंग कि तुमने निकाल लिया तो निकाल लिया, अब तुम्हें वापस नहीं रखना है. जैसे यहां हमने एक बार निकाल लिया, एक निकाल लिया तो टोटल 10 बॉल्स थे, अब अगले बार 9 ही है, राइट? द केस हैव चेंज. हमारे पास फेवरेबल केस फर्स्ट ड्रॉ में 3 थे, एक हमें से व्हाइट निकाल दिया, तो अब 2 ही बचे, तो सेकंड टाइम पे ये भी चेंज हो गया, ठीक है. सो विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी, नंबर्स भी चेंज होंगे, क्वाइट ऑब्वियस. अगर नंबर्स चेंज होंगे तो प्रोबेबिलिटी का चेंज होना तो तय है ना. सो आई होप दिस स्मॉल डिस्कशन विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ऑफ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट? इन केस वी हैव सम क्वेश्चन, विल डिस्कस इट. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 3 बॉल्स are drawn randomly one by one. See, they've given, right? One by one, without replacement. Now, when they're saying without replacement, we should get into our head that the number of balls would decrease. Har baar decrease karta jayega. Probability change hogi. With replacement, probability kabhi change nahi hoti. Theek hai? Last discussion ke baad, ab ye question tumhare liye lallu question hona chahiye. Right? Lekin chalo, main kar deta hoon. Right? From a bag containing 5 white and 4 red balls. Okay, this is 5 white and 4 red balls. कितने draw करने? 3 draw करने. ठीक है? इनमें से हमें 3 balls draw करने. Color वाले देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं. Find the probability distribution of the white balls. Right? सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला? Identify the random variable. What is the random variable? Number of white balls. ठीक है? बिल्कुल सीक्वेंस में मूव करो, कभी कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हें. नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, दैट इज फर्स्ट स्टेप. देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट? ओके, 3 बॉल चाहिए, व्हाइट बॉल्स हो सकता है एक भी ना आए, सारे के सारे रेड आ जाए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, खत्म. समझे कि नहीं? अब क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है बिना टेंशन के. तो चलो भाई, टेंशन तो अपन लेते ही नहीं. ये लो, x is equal to क्या? 0. यानी कि एक भी व्हाइट बॉल नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेंगे? चारों के चारों, तीनों के तीनों रेड निकलेंगे. तो पहला रेड निकला, इसके क्या चांस है बच्चों? 4/9. ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट विल बी रेड, इसके क्या चांसेस हैं? 3/8. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो रेड, वट इज द चांस? दैट इज 2/7. ऑब्वियसली जब बॉल निकाल लिया तो घट गया ना. तुम्हारे पास इनिशियली 9 बॉल थे, तुमने एक निकाला, तो फिर टोटल केसेस भी तो घट रहे हैं. समझे नहीं समझे? कॉम्बिनेशन लगाना है, लगा लो. 4c1 4 ही होगा, 3c1 3 होगा, 2c1 2 होगा. बताया तो था nc1 हमेशा n होता है. इफ यू अननेसेसरली वांट टू गेट इनटू दैट यू नो फॉर्मूला दैट यू लव डूइंग, यू कैन डू इट, आई डोंट माइंड, बट आई हैव गिवन यू द शॉर्टकट्स. एंड नो वन इज गोइंग टू डायरेक्ट मार्क्स इफ यू डू इट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दिस. नो वन, नॉट इवन द सीबीएसई एग्जामिनर. ठीक है, अभी तो खैर एमसीक्यू हो गए, टेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो मैं तुम्हें हर चीज के शॉर्टकट्स भी देता हूं कि जहां तुम कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस कर सकते हो. तो पहली चीज तो ये आ गई. ठीक है, यहाँ कुछ कट कुट हो रहा हो तो देख लेना बाद. चलो देख लो, हटाओ, आओ कैंसिल कर लेते हैं. चलो ये 3 से गया, ठीक है, और ये 2 से गया, और ये भी 2 से गया, तो ये 1/21 आ रहा है. ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं अपन. सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड केस में बोल रहे हैं कि एक व्हाइट बॉल आ जाएगी. ठीक है भाई, एक व्हाइट बॉल ले लेते हैं. तो एक व्हाइट बॉल आ गई, 5/9. ठीक है, अगली बॉल रेड होनी चाहिए, यानी कि 4/8. ठीक है,
और उसके अगली बॉल भी रेड होनी चाहिए, तो 3/7। क्या ये आंसर है? ना मेरे बच्चों, अगर ये कर दिया तो तुम गए। सुनना बहुत ध्यान से, ये बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया तो तुम गए। सुनो ध्यान से, हमने क्या कंडीशन लिया है? हमने ये कंडीशन लिया है बेटा, दैट द फर्स्ट वन इज व्हाइट, द सेकंड वन इज रेड एंड द थर्ड वन इज रेड। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, हो सकता है फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज व्हाइट एंड द थर्ड इज रेड, दिस इज अ सेकंड कॉम्बिनेशन, एंड देयर इज येट अनदर केस व्हेन द फर्स्ट सेकंड आर रेड एंड द थर्ड वन इज व्हाइट। In all the three cases, we have one white and two red. Do you realize that? So we need to consider all these cases. अब बात आती है सर, हम एग्जाम में क्या इतना सोचेंगे? ना, इतना नहीं सोचना तुम्हें। तुम्हें क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए यहाँ पे, कि अगर तुम्हारे पास टोटल n चीजें हैं, उनमें से p चीजें एक जैसी हैं, q चीजें एक जैसी हैं और r चीजें एक जैसी हैं, तो उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? That is n factorial, p factorial, q factorial, r factorial. वर्ड पढ़ा होगा तुमने, तुम्हें अभी भी ध्यान नहीं आ रहा। मिसिसिपी याद आया कुछ? हाँ सर, आपने पढ़ाया। अब याद आ जाता है, बच्चों को ऐसे याद आता है, एनसीईआरटी में यार बड़ा बेसिक है। मिसिसिपी से बनने वाले सारे वर्ड बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन, आई 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार, तो इतने वर्ड्स बनेंगे। यानी यहाँ पे क्या समझ में आता है? यहाँ पे ये समझ में आता है अपने पास तीन है, तीन बॉल्स, उसमें से दो रेड है, 3 factorial upon 2 factorial होगा वही 3/3 factorial upon 2 factorial is 3, जो तुमने अदरवाइज भी काउंट कर लिए। बट मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला क्यों बताया? बिकॉज इससे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो सकता है 10 balls हो, उनमें से तुम्हें 6 निकालने, तो क्या इतने केसेस बनाते रहोगे क्या? नहीं, मैंने तुम्हें शॉर्टकट दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल अप्लाई दिस, जितने भी सिमिलर चीजें हैं उससे डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यू। यानी यहाँ पे फाइनल आंसर मुझे कितना देना चाहिए, आओ देखते हैं। 2 से गया, 3 से गया, ये तुम्हारे पास 3 आ गया, ठीक है। और क्या बच रहा है? और कुछ बच रहा है क्या? हैं, और कुछ नहीं बच रहा ना। चलो कोई नहीं, ये वाला 3 भी उड़ा दो, रिमूव दिस 3। कितना बचा बेटा? ऊपर ऊपर आया 5 और नीचे आया 14, ठीक है। एक बार ये कैलकुलेशन आप दोबारा भी देख लेना, ठीक है। 3 हमने कैंसिल किया, हाँ कर दिया, ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, बिकॉज इसमें ना, इसमें मुझे ज्यादा टेंशन पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं ना, तो उसका सम अगर वन आ गया तो वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने सब सही किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आइए इसमें अपन एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए करते हैं। अब क्या है हमारे पास? 2 white हैं, ओके, 2 white हैं, मतलब पहला व्हाइट 5/9, दूसरा व्हाइट 4/8 और तीसरा क्या चाहिए? रेड होना चाहिए, यानी कि 4/7। अगेन हमारे पास ऐसे ही केसेस आएंगे जिसमें अब की बार 2 white और 1 red है, इनको कितने तरीके से अरेंज करोगे? 3 factorial upon 2 factorial, डोंट फॉरगेट दैट, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। एंड देन व्हाट वुड बी योर आंसर? दैट वुड बी गॉन बाय 2, दिस वुड बी गॉन बाय 2 एंड 3, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, तो इसको मैं 3 से कैंसिल करना चाहूंगा। यहाँ पे आ गया मेरे पास ऊपर 10, ठीक है, और नीचे आया मेरे पास 21, ऑलराइट। सो ये x इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने ये वाला केस रखा। थर्ड केस में कलर चेंज कर रहा हूँ, राइट, सो दैट इट इज विजिबल टू यू इन द क्लास नोट्स। x इज इक्वल टू 3 के लिए अभी क्या है? इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों क्या है? वाइट है, ओके, वंडरफुल। जब तीनों वाइट है, दैट मीन्स पहला वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9, सेकेंड वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 और लास्ट भी व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे सर, अब तो तीनों रेड है, इसका केस आप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि तीन चीजें हैं, 3 factorial upon 3 factorial होगा, which is 1, it won't make any difference. In the first case also, you had all the 3 balls what? Red. So 3 factorial upon 3 factorial, it won't make any difference. समझने की बात क्या है? तो यहाँ कितना रह गया? ये तुम्हारा 3 से गया, ये तुम्हारा 2 से गया, और कुछ जा रहा है क्या? मुझे नहीं जाता वो लग रहा। ये 5 हो गया और नीचे 21, 2s are 42, ठीक है। आओ जरा टेबल बनाते हैं, थोड़ी कम जगह बच रही है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। लेट अस डू इट हियर, है ना, बिकॉज मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूँ, 11th के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में से कुछ लोग बड़े स्पेशल हो, तुम लोगों ने 11th में, तुम लोग बड़े बिजी थे, आई नो डैट, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा 11th के कॉन्सेप्ट को साथ लेके चल रहा हूँ। When it is 0, what is this? 1 upon 21.
when it is 1, it is 5 upon 14. When it is 2, it is 10 by 21. And when it is 3, it is 5 upon 42. इसका सम 1 होना जरूर से चेक करना चाहिए. I strongly recommend तुम्हें रफ वर्क में कर लेना. ये बीच में मेरा रफ वर्क है, ठीक है? तुम बोलोगे सर बीच में कोई रफ करता है, साइड में करते हैं. अरे यार ठीक है, टीचर का सब अलाउड है, ठीक है? तो देखो मैं सबको 42 बनाऊंगा. तो पहला मेरा बन जाएगा 2 by 42. 1 by 21 को मैंने लिखा 2 by 42. ये इसको 3 से करता हूँ तो 15 by 42, ठीक है? कैलकुलेशन में ना इस तरीके से करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. फिर 2 से कर दूंगा तो 20 by 42, और आखिरी तो ऑलरेडी 42 है, 5 upon 42. अब बस देखना है ऊपर वाला 42 बन रहा है कि नहीं. तो ये रहा 35 प्लस 5 इज 40 एंड दिस इज 42. काम खत्म, ठीक है? इतने काम तुम करोगे तुम्हारे कोई टीचर कोई नंबर नहीं काट सकता. बस ये रफ में करना, ध्यान है, ठीक है? ऐसे यहीं पे मत कर देना बीच में. ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक एट देम. 4 बैड एग्स आर मिक्स्ड विद 10 गुड वंस. सबसे पहले ना डेटा लिख लिया करो. 4 बैड एंड 10 गुड, ठीक है? 3 eggs are drawn randomly. इनमें से we are drawing 3. 14 में से 3 निकाल रहे. Without replacement. 1 by 1. इस word को ध्यान रखना. 1 by 1 without replacement. एक एक करके draw कर रहे. कोई replacement नहीं है. यानी number of eggs हर बार क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे. ठीक है? Find the probability distribution of the number of bad eggs. यहाँ पे x क्या है? X is number of bad eggs. हमेशा इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप, नंबर ऑफ बैड एग्स. अपने पास 14 है, 14 में से 3 चाहिए, तो एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3. नाउ अब क्या करना पड़ेगा? सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो व्हेन एक्स इज 0, क्या मतलब है कि हम लोग अभी क्या निकालेंगे? गुड निकालेंगे. तो पहला गुड है, इसका मतलब 10 by, ना बेटा ना, 10 से 3 नहीं, 1 by 1 है, don't forget that. It is 1 by 1, okay? 10 by 14, and दूसरा निकालोगे, 9 by 13, तीसरा निकालोगे, 8 by 12, पर 3 जो निकालने हैं, चौथा क्यों निकाल रहे हैं अपन, ठीक है? तो हमने इन सब को यहाँ पे calculate किया, okay? कोई फोन बज रहा है किसी का, पता नहीं, okay. So x is equal to 0 हमने देखा. आओ कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है. ये 4 2s and 4 3s. This is gone by 7. This is gone by 3. So in the numerator I'm left with 30 and in the denominator 13 7s are 91. I hope that is fine. When x is 1, be careful. That means अब हमारे पास bad egg एक है. जब एक ही बैड एग है तो हमारे पास 4 में से एक आना है, ठीक है भाई? 4 by 14, ठीक है? एंड बाकी के दो क्या होने चाहिए? गुड होने चाहिए. तो 10 बाय टोटल कितना बचा? 3 ही बचे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट. एक अंडा निकल गया तो निकल गया, ठीक है? अगली बार भी क्या चाहिए? 9 में से आपने देखना है, ठीक है? अब यहाँ पे फिर वही आपका अरेंजमेंट वाला केस आएगा. 3 अंडे हैं जिसमें से एक बैड है और 2 गुड है. ये कितने तरीके से इन केसेस को आप अरेंज कर सकते हो? 3 factorial upon 2 factorial. डोंट फॉरगेट दैट. मीन दिस इज वन पॉइंट वेयर इवन द गुड स्टूडेंट्स वुड गो रॉन्ग. सो प्लीज बी केयरफुल इन सच केसेस. ओके, लेट्स सी. सो 3 threes and 3 fours एंड दिस 4 इज गेटिंग कैंसल्ड हियर. यू हैव एन एडिशनल 3 हियर इन दिस फैक्टोरियल. दिस वुड बी गॉन बाय 5 and 7. In the numerator, you have 9 fives are 45. And in the denominator, you again have 91. That's good. Okay? Okay, let's see. When x is 2. When x is 2. Toh humare paas kya possibilities hain? Isko dekhte hain. Aayye. Toh when x is 2, toh mere paas 2 kharaab wale ande hain. Toh 4 upon 14. Okay? 4 upon 14 and 3 by 13. और तीसरा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. यानी क्या? 10 by 12, ठीक है? अगेन यहाँ पे भी डोंट फॉरगेट, तुम्हारे पास अब कौन सा केस है? गुड बैड बैड. इसमें कितने तरीके से ये केसेस आ सकते हैं? 3 factorial upon 2 factorial. मैं सीधा सीधा अभी 3 लिख देता हूँ, ठीक है? अब तुम्हें ये सब बातें समझ में आनी शुरू हो चुकी होंगी, आई होप सो. सो 3 4s are 12. और कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा.
7 कहाँ? अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बेटा कर लेते हैं। तो ये आपका ये 7 से जा रहा है और ये 5 से हो रहा है, ठीक है। तो ये 15 और ये 91, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट केस व्हेन एक्स इज 3, दैट मींस ऑल ऑफ देम आर रॉटन, ऑल द एग्स आर आई मीन बैड, ओके। रॉटन का मतलब बैड ही होता है, ओके। सो इन दैट केस हमारे पास पहला बैड आया तो 4/14, दूसरा भी बैड आया 3/13, और तीसरा भी बैड आया दैट इज 2/12, ठीक है। चीजें कैंसिल करो, ये तुम्हारा 12 से गया, क्या बात है। 5 तो नहीं है, मुझे 1 दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 1/91 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फट से बनाओ और उसका सम करना मत भूलना, बिकॉज दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव डन इट राइट, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी, 0, 1, 2 एंड 3। थोड़ा स्केल स्केल यूज करना है, मैं बहुत फ्री हैंड से कर रहा हूँ। सो पी एक्स फर्स्ट केस में कितना था, 30/91, सेकेंड केस में इट वॉज 45/91, और तीसरा कितना था, 15/91 एंड 1/91। चेक करके देख लो 91 आ रहा है कि नहीं, 75 + 15 = 90, 90 + 1 = 91, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन बी सो डैम कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चंस। टेल मी इफ इट इज फाइन। यस सर।